त आयो असांजे इदारे में, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं असांखे इहो मौक़ो ॾिनो वियो त असां तव्हांखे ॿुधायूं त असां वटि छा थिए थो ऐं कहिड़ी सर्विसिस असां पंहिंजे अवाम खे प्रोवाइड कयूं था ॾियूं था। ॾिसो तव्हां हिते ई ॾिसंदव, हिते भितनि ते असां वाज़े करे लिखियो आहे त बाबा हिते कंहिं बि मरीज़ खां पाई पैसो वसूल न कयो वेंदो आहे। हे उहो इदारो आहे जेको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे जंहिंखे चइजे त ऑनर में इहो इदारो ठाहियो वियो सिंध गवर्नमेंट जी तरफ़ां। असां हिन शइ खे साराहियूं था, सिंध गवर्नमेंट जेके एफर्ट ॾिना आहिनि इहो इदारो ठाहियो आहे मोहतरमा जे नाले ते। त इन जो मक़सदु इहो आहे त असांजे जेके बि सिंध वासी आहिनि या बलोचिस्तान वासी आहिनि जेके हिते रीच करे सघंदा, उन्हनि खे असां क्वालिटी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, माना उहा सर्जरी जेका कंहिं बि मरीज़ खां 5-6 लख-8 लख जंहिंजा ख़र्चु थियनि था, अचो तव्हांखे वॉर्ड बि घुमाईं था। तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त हिकु वक़्त में असां वटि हॾी जोड़ जा तक़रीबन 80-90 मरीज़ दाख़िलु हूंदा आहिनि। तक़रीबन सिंध मां जेके जैकबाबाद ताईं हलिया वञूं मरीज़ असां वटि ईंदा आहिनि रेफर थी, हेॾा हलिया वञो बलोचिस्तान हब जी तरफ़ां, बिल्कुलु रुगो सिंध न पर बलोचिस्तान जो बि काफ़ी हिसो असां वटि अचे थो जंहिंखे असां कैटर कयूं था, ट्रीट कयूं था। ठीकु आहे, त इहो मां सम्झां थो त हिकिड़ो एफर्ट आहे सिंध गवर्नमेंट जो जंहिंखे साराहणु खपे। बिल्कुलु, इन में को शक न आहे सिंध गवर्नमेंट जो ऐं इन में वॾो हथु आहे छो जो सिहत ते सिंध गवर्नमेंट वॾो कमु कयो आहे ऐं उहो कमु सिर्फ़ु असां चऊं न पिया, उहो हा सभिनी खे नज़र बची रहियो आहे छो जो ट्रॉमा सेंटर हिते कराची में हिकु त तव्हां ॾिसो पिया ऐं उनखां अलावा ॿिनि जी इनोग्रेशन जी बि जेका आहे उहा ॻाल्हि थी आहे, इहा असां सभिनी लाइ ख़ुशिखबरी आहे ऐं उनखां अलावा इहा बि ॻाल्हि इन प्रोग्राम में असांखे ख़बर पई त लाड़काणा में थी वियो आहे, उनखां अलावा सिंध जे मुख़्तलिफ़ ॿियनि शहरनि में बि इन जी इनोग्रेशन थियण वारी आहे। असांजो मक़सदु इहो ई आहे त एक्सपेंशन, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां इहो ॾिसो त हिकिड़ो मरीज़ जेको लाड़काणे शिकारपुर मां हिते अचे थो पियो, उनखे टाइम बि लगे थो पहुचण में, उनखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ओतिरी कॉस्ट बि अचे थी हिते अचण में, वरी सिर्फ़ु ऑपरेशन न आहे, सिर्फ़ु ऑपरेशन न आहे, ऑपरेशन खां पोइ उनखे ज़ख़्म ॾेखारण जे लाइ बि अचणो पए थो, टाका कटाइण जे लाइ बि अचणो पए थो। असां सम्झूं था त इहो मरीज़ ते हिकिड़ो एडिशनल बर्डन थो अचे, त इन करे इहो मुख़्तलिफ़ मीटिंगुनि में इहो फ़ैसिलो कयो वियो त भई अहिड़ा सेटेलाइट सेंटर ठाहिया वञनि जिते मरीज़ उते ई पंहिंजो इनिशियल ट्रीटमेंट बि कराए, टाका कढाइणा आहिनि, ज़ख़्म ॾेखारणो आहे, उते असांजो क्वालिफाइड डॉक्टर हिकिड़ो मौजूदु हुजे जेको इनिशियली उते ई ॾिसे, हा उते खां कमु हिकिड़ो मथे थी वञे, अञा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट जी ज़रूरत हुजे त असां वेठा आहियूं उते सर्व करण जे लाइ। जी सर, हमें तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फहद तारिक, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वैस्कुलर एंड वैस्कुलर सर्जरी SMBB इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में, और डिपार्टमेंट ये हमारा सिंध का एक मुनफरिद डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी एंड वैस्कुलर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7। इसमें इमरजेंसी पेशेंट्स भी होते हैं और इलेक्टिव सर्जरीज भी की जाती हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस स्पेशली वार्ड में जो है ना वो कितने लोग एडमिट होते हैं पर डे? इस वार्ड की कैपेसिटी 21 बेड्स और इसके अलावा भी ICU पेशेंट्स और बाकी जो भी इमरजेंसी के केसेस आते हैं, पहले वो इमरजेंसी में असेस होते हैं, फिर उसके बाद वो अगर वार जाना होता है डायरेक्टली तो वार जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैथ लैब में जिनके एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स करने होते हैं और इसी तरह से हम इमरजेंसीज और इलेक्टिव सोकेटर करते हैं। सर ये कैमरा में हमारी नाज़रीन भी देख रही है तो हमें विजिट करवाएं दिखाएं यहाँ से, अगर हम देखें तो हम पेशेंट की इजाज़त अगर हम पहले ले लें, बाईपास के पेशेंट्स हैं इनकी, ये पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, अच्छा ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स की रुकावट की वजह से उनके पाँव गैंग्रीन हो जाते हैं, मतलब काले हो जाते हैं, उंगलियाँ काली हो जाती हैं। ओके, तो ये पेशेंट हैं इनके हमने अभी कर ली सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, ये मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन ये पेशेंट्स इनकी टोज गैंग्रीनस हो गई थी इनकी खून की रगों की ब्लॉकेज की वजह से, तो कल ही इनकी हमने बाईपास सर्जरी की है, जो ब्लॉक आर्टरी थी वहाँ से लेके नीचे जो खून की रग थी वो एक मेजर बाईपास सर्जरी करके अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर इनका हुआ। इसी तरह से और पेशेंट्स हैं हमारे पास, सर हम इनसे बात करना चाहेंगे।
क्या है आपको प्रॉब्लम क्या है और इनको थोड़ा बताएं ताकि बेसिकली आई एम डायबिटिक पेशेंट जी और मैं 4 रोज पहले आपके पास जी आप नहीं अभी आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था डायबिटीज की वजह से एक इनका प्लास्टिक हो चुकी है फिर उसके बाद इनका बायपास करना तो इनके पाउंड में वही गैंग्रीन का मसला शुगर की वजह से थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ये हमारे कॉमन पेशेंट हैं ये आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं ये हमारे पास आए थे गन शॉट के साथ कॉमन तुम थोड़ा सा बताओ यार क्या हुआ था तुम्हें गोली लग गई थी इनकी गन शॉट के पेशेंट हैं इनकी मेन वेसल जो है वो डैमेज थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने रिपेयर किया और नाउ ही इज गुड और इंशाल्लाह आज इनका डिस्चार्ज का प्लान इंशाल्लाह